हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मंगेश धर्मे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। टुडे वी सी द प्रॉब्लम ऑन शाफ्ट। इन प्रीवियस लेक्चर वी सी इंट्रोडक्शन टू शाफ्ट। द लर्निंग आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर आर स्टूडेंट आर एबल टू डिजाइन शाफ्ट। The various program outcomes achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10, PSO1, PSO2 and PSO3. These are the program specific outcomes achieved. नाउ अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले क्या याद रखना है, ऑल दीज फॉर्मूला। जैसे आपने पहले भी देखा है डिजाइन ऑफ शाफ्ट में, डिजाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, जिसमें ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टी बाय जे इज इक्वल टू सी थीटा और जी थीटा डिवाइड बाय एल। ओके, तो ये फॉर्मूले अपने कॉपी में नोट डाउन करो, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त काम में आने वाले हैं। तो फॉर्मूला है आपने टॉर्शनल इक्वेशन देखा था, टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन जे इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एन। तो इसी से ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे अभी। तो ये फॉर्मूला यूज करके आपने यहाँ पे निकाला था टाउ की वैल्यू, दैट इज टाउ इज इक्वल टू 16 टी अपॉन पाई डी क्यू। तो दिस फॉर्मूला इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग ऑफ द शाफ्ट। तो ये फॉर्मूले भी पूरे अपने कॉपी में नोट डाउन करो। देन नेक्स्ट, शियर स्ट्रेस फॉर द हॉलो शाफ्ट क्या रहता है, टाउ इज इक्वल टू 16 टी अपॉन पाई डी जीरो क्यूब इंटू 1 माइनस k रेज़्ड टू द पावर 4। तो यहाँ पे k क्या है, k इज अ डी आई अपॉन डी जीरो, मतलब इनसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट टू द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फोर्स। तो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला दैट वी हैव टू बी रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन द शाफ्ट is compare the weight, strength and stiffness of a hollow shaft of the same external diameter as that of the solid shaft, the inside diameter of the hollow shaft being the half the external diameter, both the shaft have the same material and length. Okay, तो आपको यहाँ पे जो problem में क्या दिया है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट सपोज मैं कंसिडर करता हूं यहां पे टी जीरो इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट, इसको लिखता हूं मैं डी। ओके, और सेकंड जो चीज दी है आपको, दैट इज अ डी है इज इक्वल टू इनसाइड डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट इज इक्वल टू दिया आपको डी जीरो डिवाइड बाय टू। अभी जो के जो रेशियो रहता है, दैट इज इक्वल टू इनसाइड डायमीटर अपॉन आउटसाइड डायमीटर। ओके, तो ये कितना रहेगा मेरा, डी ए अपॉन टू इंटू डी ए, बिकॉज डी जीरो कितना होगा इससे, टू इंटू डी ए, दैट इज इक्वल टू 0.5। ओके, नाउ सबसे पहले आपको क्या क्या कंपेयर करना है, यहां पे देखिए कंपेयर द पहले वेट करना है, स्ट्रेन करना है और स्टिफनेस करना है। तो अपन पहले देखते हैं कंपेरिजन ऑफ वेट। ओके, तो यहां पे देखिए वेट ऑफ हॉलो शाफ्ट क्या होता है, इज इक्वल टू
क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। ओके, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है रहेगा हॉलो शाफ्ट के लिए? सपोज ये हॉलो शाफ्ट है आपका, ओके तो इसका इनर डायमीटर डी आई है और आउटर डायमीटर कितना है आपका डी जीरो है। इसका मैं साइड व्यू यहां पे निकाल रहा हूं, इसका आउटर डायमीटर कितना है डी जीरो है, इनसाइड डायमीटर डी आई है। तो एरिया कितना रहेगा इज इक्वल टू पाई बाय फोर डी जीरो स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर इंटू लेंथ सपोज एल इंटू डेंसिटी रो, दैट इज द वेट ऑफ द हॉलो शाफ्ट। और सिमिलरली फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए कितना रहेगा वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू एस इज इक्वल टू पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वेयर इंटू एल इंटू रो। अभी मुझे क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द रेशियो ऑफ बोथ द शाफ्ट वेट ऑफ हॉलो अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू पाई बाय फोर डी जीरो स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर इंटू एल इंटू रो अपॉन पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू एल इंटू रो। तो यहां पे देखिए पाई बाय फोर विल गेट कैंसल, एल एल विल गेट कैंसल, रो रो विल गेट कैंसल, देन आपको यहां पे जो मिल रहा है डब्ल्यू एच अपॉन डब्ल्यू एच इज इक्वल टू डी जीरो स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। लेकिन आपको प्रॉब्लम में एक कंडीशन दिया है आउटसाइड डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट, मतलब मैं d के जगह पे क्या रख सकता हूँ d0, जीरो दैट्स वाई एम राइटिंग हियर d0 जीरो स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर अपॉन डी जीरो स्क्वायर। नाउ टेकिंग द d0 जीरो स्क्वायर कॉमन फ्रॉम हियर d0 जीरो स्क्वायर यहाँ पे क्या मिलेगा वन माइनस डी आई स्क्वायर अपॉन डी जीरो स्क्वायर अपॉन डी जीरो स्क्वायर। तो आगे में देखिए ये कितना होगा डी जीरो विल गेट कैंसल तो आपको मिलेगा वन माइनस डी आई अपॉन डी जीरो होल स्क्वायर तो इज इक्वल टू कितना होगा ये वन माइनस 0.5 होल स्क्वायर बिकॉज ये कितना रहेगा 1 माइनस के स्क्वायर बिकॉज डी आई बाय डी जीरो इज इक्वल टू के ये पे लिखा आपने के इज इक्वल टू डी आई बाय डी जीरो और इसकी वैल्यू कितनी है 0.5 दैट्स व्हाई 1 माइनस 0.5 स्क्वायर तो इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 0.75। तो ये किसका रेशियो है डब्ल्यू एच अपॉन डब्ल्यू एस मतलब मैं इससे क्या बोल सकता हूँ वेट ऑफ द हॉलो शाफ्ट इज इक्वल टू 0.75 टाइम्स द वेट ऑफ द सॉलिड शाफ्ट। ओके नाउ नेक्स्ट सेकंड जो निकालना है आपको ये प्रॉब्लम में दैट इज अ कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ। ओके तो स्ट्रेंथ ऑफ हॉलो शाफ्ट कितनी रहती है ये आपने डिजाइन में देखा है हॉलो शाफ्ट दैट इज टी एच इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ इंटू डी जीरो क्यूब इंटू वन माइनस के रेस टू द पावर 4। ये फॉर्मूला कहां से आया सिंस
टाउ इज इक्वल टू क्या रहता है, 16t अपॉन पाई डी जीरो क्यूब इंटू 1 माइनस k रेस्ट टू द पावर 4। तो सिमिलरली इसी फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला आया है, दैट इज टी एच इज इक्वल टू पाई डी जीरो क्यूब इंटू 1 माइनस k रेस्ट टू द पावर 4 इंटू पाई अपॉन 16। ओके, एंड देन नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ हॉलो शॉप कितनी रहती है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड शॉप सॉरी इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ इंटू डी क्यूब। नाउ नेक्स्ट कंपेयर करना है, मतलब दोनों का मुझे क्या करना है, अभी रेशियो लेना है, टी एच बाय टी एस इज इक्वल टू पाई बाय 16 इंटू टाव इंटू डी जीरो क्यूब 1 माइनस k रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन पाई बाय 16 इंटू टाव इंटू डी क्यूब। तो पाई बाय 16 विल गेट कैंसल, टाव टाव विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी जीरो क्यूब 1 माइनस k रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन डी क्यूब। लेकिन डी की वैल्यू कितनी है, डी जीरो की इतनी है, दैट्स वाई सिंस डी इज इक्वल टू डी जीरो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस k रेस्ट टू द पावर 4। दैट्स वाई 1 माइनस 0.5 रेस्ट टू द पावर 4 तो ये कितना आ रहा है, टी एच इज इक्वल टू 0.9375 इंटू टी एस। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ हॉलो शाफ्ट कितने टाइम्स है, सॉलिड शाफ्ट से 0.9375 टाइम्स द सॉलिड शाफ्ट। नाउ जो थर्ड स्टेप है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, टी अपॉन थीटा जी इंटू आई पी अपॉन एल। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ हॉलो शाफ्ट, स्टिफनेस ऑफ हॉलो शाफ्ट कितना रहेगा, ये जी बाय एल इंटू पाई बाय 32 इंटू डी जीरो रेस्ट टू द पावर 4 माइनस डी आई रेस्ट टू द पावर 4। सिमिलरली द स्टिफनेस ऑफ सॉलिड शाफ्ट इज इक्वल टू कितना रहेगा, जी बाय एल पाई बाय 32 इंटू डी टू द पावर 4। देन आपको कंपेयर करना है, मतलब स्टिफनेस ऑफ हॉलो शाफ्ट अपॉन स्टिफनेस ऑफ सॉलिड शाफ्ट इज इक्वल टू जी बाय एल पाई बाय 32 इंटू डी जीरो रेस्ट टू द पावर 4 माइनस डी आई रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन जी बाय एल इंटू पाई बाय 32 इंटू डी टू द पावर 4। तो अभी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, डी जीरो रेस्ट टू द पावर 4 माइनस डी आई रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन डी टू द पावर 4। तो अभी सिंस डी जीरो इज इक्वल टू डी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे डी जीरो रेस्ट टू द पावर 4 विल गेट कॉमन माइनस डी आई रेस्ट टू द पावर 4 माइनस डी जीरो रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन डी जीरो रेस्ट टू द पावर 4। तो डी जीरो रेस्ट टू द पावर 4 विल गेट कैंसल, यहाँ पे आएगा 1 माइनस k टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 रेस्ट टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0.9375। ओके, दैट इज एस एच अपॉन एस एच, मतलब स्टिफनेस ऑफ हॉलो शाफ्ट इज इक्वल टू 0.9375 इंटू स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड शाफ्ट। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो अगर ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में आता है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, तो ये 6 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, तो जहां पे आपने क्या किया, वेट कंपेयर किया, स्ट्रेन कंपेयर किया और स्टिफनेस कंपेयर किया,
हॉलो शॉप का सॉलिड शॉप के. तो दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन द शॉप. The unit outcome achieved in today's lecture are design the power transmission element like shaft key and coupling. Summary of today's lecture: we designed the shaft in which we found out the diameter of the shaft. Program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, program specific outcome are PSO1, PSO2, PSO3. The third problem is compare the weight, strength and stiffness of hollow shaft of the same external diameter as that of the solid shaft. Inside diameter of the hollow shaft is 0.75 times the external diameter. Both the shaft have same material and length. In next lecture we see the next problem on shaft. Thanks for any query, contact to this number.